अपने घर से जो लोग यहाँ उठ के आए हैं उन सबका टारगेट एक ही होगा कि कैसे मुझे जॉब मिले। सबसे बढ़िया ऑप्शन है किसी भी आम परिवार के बच्चे के लिए आफ्टर ट्वेल्थ क्या करें। कुछ लोग चले जाते हैं ग्रेजुएशन करने, ग्रेजुएशन के बाद भी क्वेश्चन मार्क यही होता है कि अब क्या करें। तो सबसे बढ़िया तरीका है 12वीं के बाद इस क्वेश्चन पे काम किया जाए कि अब क्या करें। 12th के बाद बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स के रास्ते खुलते हैं और इन जॉब्स के लिए आपको कॉम्पिटिटिव पेपर देना होता है और कॉम्पिटिटिव पेपर का एक पैटर्न है कि भाई उसमें ये सब चीज़ें आपको तैयार करनी पड़ेंगी। जैसे मैथमेटिक्स है, हर पेपर में मैथ्स आएगा, ये आपको सीखना पड़ेगा। रीजनिंग आएगा, इसको मेंटल एबिलिटी भी कहते हैं। इंग्लिश आएगा, हिंदी आएगा, जीके आएगा, प्लस करंट अफेयर्स। ये चार पांच चीज़ें हैं जो सबको तैयार करनी पड़ती हैं। जिसकी इच्छा है ना नौकरी लगने की, उसे ये सब सीखना पड़ेगा और इसको सीखने के लिए आपको अपने ऊपर टाइम देना पड़ेगा। जो 12th से अभी निकले हैं उन लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होता है हमेशा पढ़ने का। जो ग्रेजुएशन करके आए हैं वो 3 साल अपने मतलब ग्रेजुएशन में जो लगा के आ गए उन्हें थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कारण इनके ऊपर एक सोशल प्रेशर स्टार्ट हो जाता है आना। सोसाइटी आपसे एक्सपेक्ट करती है आफ्टर ग्रेजुएशन कि अब आप कमाने की लाइन में आ जाएं, तो एक अजीब सा प्रेशर दिमाग पे होता है। जब आप फ्री हैं 12वीं के बाद आप कुछ भी कीजिए, 3 साल तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा क्योंकि अभी आप पढ़ने की उम्र में हैं। पर जैसे ही आप ग्रेजुएशन या PG कर जाते हैं फिर आप जैसे ही बाहर निकलेंगे तो कहेंगे और भाई क्या कर रहे हो आजकल। तो वो एक जो प्रेशर होता है ना बार बार क्वेश्चन का आंसर क्या दें, उससे बचने का सबसे बेस्ट उपाय है एक आम परिवार के बच्चे के लिए 12वीं के बाद अपना कोई इस तरह का काम शुरू करो जिसमें कि तुम्हें नौकरी आसानी से मिल जाए। और इसका तरीका यही है कि अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। आफ्टर 12th आपके पास ऑप्शंस खुल जाते हैं, जैसे बैंक्स का ऑप्शन है इसमें जा सकते हैं हम, पुलिस का ऑप्शन है, फौज इसके साथ साथ है, या जैसे अगर मैं कहूँ 12th के बाद डाइट की तरफ जाएं 2 साल के डिप्लोमा के बाद तो टीचिंग में भी जा सकते हैं। 12वीं के बाद डिप्लोमा किया, अपना टीचिंग का रास्ता पकड़ लिया। नौकरियां घट रही हैं लेकिन फिर भी जितनी निकलती हैं कम से कम उसमें कोशिश कर ली जाए। रेलवेज में भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। इसके अलावा भी आपके हर स्टेट में, जितने स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं, हर स्टेट में कोई स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है। जैसे हरियाणा में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, राजस्थान में, बिहार में, यूपी में, हर जगह है। तो अपने अपने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, स्टेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ढेरों नौकरियाँ निकलती हैं, इनकी भी तैयारी सेम तरीके से होती है। तो हर किसी को 12वीं के बाद ये मान के चलो कि 3-4 चीज़ें अपनी ढंग से सीखनी पड़ेंगी। इनको सीख लिया तो आपके लगने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। और ये तैयारी के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। या तो आपके पेरेंट्स बहुत रिच हों कि भाई आपके महीने के 8-10 लाख का काम है, हमें कोई चिंता ही नहीं है। अगर तुम्हारे पिताजी किसान हैं, मजदूरी करते हैं, छोटी नौकरी करते हैं या छोटी मोटी सरकारी नौकरी पर भी हैं, तो भी एक ही रास्ता है, पढ़ लिख के लगना पड़ेगा। कितने साल पापा बिठा के खिलाएंगे? किसी के फादर हद से हद 20-22-23 तक खिला देंगे, फिर ताने मारने लगते हैं, वो भी क्या करें। इंडियन स्ट्रेटा इस तरह का है कि 20 साल तक तो पेरेंट्स कुछ कहते नहीं, पर जैसे ही आप 20 से आगे गए फिर माँ बाप, बुआ, चाचा, मामा, फूफा, जितने रिलेटिव्स हैं सब ताने मारते हैं। और जो जितनी बड़ी उम्र में ना उससे पूछ के देखना। अब तुम तो बिल्कुल, कितने एज है बेटा? 15। तुम क्या करने आए हो, पढ़ोगे तुम? अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तुम्हारी बेटा 17, ठीक उम्र है बिल्कुल। आपकी उम्र कितनी हो गई? 25। बैठिए। अच्छा, आप जॉब करते? अच्छा, इसको लेके आए सर, बिल्कुल ठीक किया, ये बिल्कुल सही उम्र में, बहुत बढ़िया। मैं तो खुद परफेक्ट मानती हूँ। 12वीं के बाद अपनी नौकरी का रास्ता पकड़ो अगर तुम्हारा परिवार साधारण है। अगर तुम बहुत अमीर हो तो फिर ज़रूरत ही क्या है यहाँ आने की। लेकिन अगर साधारण परिवार है ना, तो जितनी जल्दी कोशिश करोगे उतनी जल्दी पाने की भी उम्मीद रहेगी, क्योंकि प्रेशर नहीं होता। अब 25 साल में, 30 साल में क्या दिमाग पे एक प्रेशर होता है, समाज का, आपके परिवार का, बहुत फ़र्क पड़ जाता है। इसलिए यंग एज में पढ़ाई करनी चाहिए। चलिए, मैं तो खुद 20 साल में जब थी ना, तब मैं गवर्नमेंट स्कूल में टीचर लग गई थी। 20 साल की मेरी उम्र थी कुछ महीने, तब मुझे पहली सैलरी मिल गई थी। तो जो जितनी जल्दी लग जाता है। आपकी कब जॉब हुई सर? मतलब आपको भी हो गए 20 साल में, आप भी लग गए थे। तो ये सबसे बढ़िया उम्र होती है, जो 20, 21, 19 में लग गया ना,
उसको कभी वो प्रेशर फील नहीं होता समाज का, उसमें एक अच्छी लाइफ जी पाते हैं। जितनी उम्र बढ़ती जाएगी उतना आपका ना फेलियर का डर आपको सताने लगेगा। 18 साल का कोई बच्चा फॉर्म भरता है, डरता नहीं है वो, लेकिन 27 साल का कोई लड़का जब फॉर्म भरता है तो उसको लगता है यार इसमें भी नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। वो डर उसको पेपर में अच्छा परफॉर्म करने ही नहीं देगा और वो आते आते भी क्वेश्चन गलत करेगा। 18-20 साल में क्या होता है, लग गई नहीं तो क्या फ़र्क पड़ता है। उस एटीट्यूड के कारण आपके क्वेश्चन आधे वैसे ही ठीक हो जाते हैं। बहुत फ़र्क है एज का।